हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसे कि हम सबको पता है कि मैंने अभी अभी अपना घर शिफ्ट किया है। सो अभी तक ना, मतलब मैं क्या सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है मुझे राइट नाउ कि मेरे पास लाइक बहुत सारी नई नई चीज़ें मुझे घर पे रखनी है अभी, ठीक है। बट उसके लिए आपको अपनी पुरानी चीज़ें भी तो हटानी होगी। सो क्या हो जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक आई हैव वन लाइक दीवान सेट विच इज़ वेरी न्यू, वेरी वेल मेंटेन, लेकिन हो गया है 3 साल, मैंने 4 साल उसे यूज़ कर लिया है। तो जस्ट बिकॉज इट इज़ वेल मेंटेन, बहुत अच्छा है, तो जब भी बात होती है ना कि यार इसको निकाल दें या हटा दें, तो नितेश इज़ ऑल्सो वेरी हीज लाइक कि नहीं यार, जो मतलब इतना अच्छा है यार, ऐसे कैसे कर दें। तो उस कन्फ्यूजन में क्या होता है कि हम कोई नई चीज़ें घर पे सेट नहीं कर पाते हैं, यू नो। तो मतलब मुझे क्या लगता है ना कि इट्स ओके, ऐसे तो अगर हमने कोई भी चीज़ 3 to 4 years तक यूज़ कर ली है और अगर वो वेल मेंटेन है तो इट इज़ अ गुड थिंग, राइट, कि हमने उसे अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। जस्ट बिकॉज वो अच्छे से मेंटेन है, 4 साल यूज़ कर लिया है लेकिन मेंटेन है, तो हम उसको हटा नहीं रहे हैं, मतलब ये कोई बात नहीं हुई, करेक्ट। तो और वही वो 4 साल यूज़ करने के बाद अगर वो मेंटेन ना है तो हम तुरंत ही हटा देते हैं या जो भी कर देते हैं, फेंक देते हैं या किसी क्या बोलते हैं बोलते ना भंगार वाले को दे देते हैं, व्हाटएवर। तो मेन प्रॉब्लम इज नहीं ये, नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप लाइक 4 years यू कीप वन स्टाफ, लाइक कोई भी फर्नीचर रखते हो देन यू हैव टू रिप्लेस इट, बट देयर इज सो मेनी थिंग्स वी वांट टू कीप, लाइक यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स वी वांट टू कीप, लाइक तो गड़बड़ हो जाएगी ना कि हम फिर नई चीज़ों की जगह ही नहीं होगी। तो अगर आपको नई चीज़ों की जगह बनानी है, उसके लिए पहले वाले जो फर्नीचर है उन चीज़ों को हटाना है, तो वो हटाने वाला जो डिसीजन है ना, वो बड़ा कन्फ्यूजिंग है। उसके चक्कर में बहुत, मतलब अभी तक सब कुछ एकदम ऐसा है, फैला हुआ है। सो आई जस्ट थॉट कि मैं इस टॉपिक पे थोड़ा सा, मतलब ऐसी अपनी बातें शेयर करूँ यार, कि मुझे ऐसा फीलिंग, मतलब कैसा मुझे फील हो रहा है कि मतलब मैं, क्योंकि जब जिन चीज़ों को मैं बोलती हूँ लेट इट बी यार, इसको हटा देते हैं, फॉर दैट उन चीज़ों में नितेश का रहता है कि नहीं यार रहने दो, जिन चीज़ों में नितेश बोलता है जो इसका क्या करना हटा दो, उन चीज़ों में मेरा रहता है नहीं 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 मत हटाओ। सो इट्स लाइक दैट, सो इट्स ऑलवेज लाइक, फिर उस चक्कर में क्या है, नई चीज़ें भी रखो, पहले की चीज़ें भी रखो, फिर पूरा घर ऐसा भर भर जाएगा, यू नो, सो विच वी डोंट वॉन्ट, ओके। तो आई थिंक उसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसी पुरानी चीज़ है, कोई ऐसी नई चीज़ है जो आपके पुरानी चीज़ जितना काम आएगी या उसके लेवल का वो काम आ रहा है, तो आपकी पुरानी वाली चीज़ को हटा दो, सिंपल। क्योंकि आप दोनों वैसे सेम चीज़ रख नहीं सकते ना, मतलब ऑब्वियसली वी आर इन मुंबई, वी डोंट हैव अ वेरी बिग फ्लैट और बंगलोज, राइट, सो वी नीड टू डिसाइड क्या रखना है और क्या नहीं, राइट। तो आई डोंट नो, सो एक्चुअली ये ब्लॉग, मतलब ये जो मैं बोल रही हूँ, ये बहुत ही सडन मेरे दिमाग में आया कि ये बहुत कितना रियल लाइफ सिचुएशन है ना, हम इस बारे में कितना सोचते हैं ना, बना मतलब कि नहीं यार, जब भी आपकी पहले की चीज़ें, भले आप उसको बहुत टाइम से, चलो ये तो मैं सोफ़ा फर्नीचर की बात कर रही हूँ, बट उसके अलावा भी घर पे छोटी छोटी कितनी सारी चीज़ें होती है यार, कि हमें लगता है सडनली जब भी शिफ्टिंग होगी उसके बाद हम देखेंगे कि अरे यार ये वाला, हाँ हाँ, फिर देन ये होगा कि यार ये तो यूज़ ही नहीं हो रहा है, एंड देन इट विल बी लाइक कि नहीं इसको फेंक देते हैं, तो नहीं 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 ये तो मैं यूज़ करूँगी या नहीं नहीं ये तो मैं यूज़ करता हूँ, जबकि सामने वाला, या मैं खुद ही ऐसे, मैं खुद भी बहुत बार ऐसे करती हूँ। तो मैं ये बना के एक्चुअली आप लोगों को भी बोल रही हूँ और मैं अपने आप को भी वापस याद दिला रही हूँ कि इट्स ओके, इट्स ओके, बहुत टाइम तक कोई चीज़ रखी हुई आपने कभी यूज़ ही नहीं की, इसका मतलब वो आपको उसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और अगर उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी तो अभी उसके लिए इतना, मतलब उसको ऐसे घर पे से भर मत दो, मतलब यू नो अननेसेसरी का। ओके, जोनी इज वंडरिंग मैं क्या अभी इतना सीरियसली बात कर रही हूँ। ओके, सो अगर आपको मेरी बातें इंटरेस्टिंग लगती हो, मैं और भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें करूँगी, जो नहीं मत आना प्लीज़ मेरे ब्लॉग में, प्लीज़ यार। ओके, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो नहीं प्लीज़ ना, प्लीज़ 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 ओके, बाय 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 बाय।